नमस्कार दोस्तों। वैसे तो कनाडा को दुनिया की वन ऑफ द कोल्डेस्ट कंट्रीज में कंसिडर किया जाता है। वहां पर -20 -30 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाना आम बात मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इतनी भयंकर हीट वेव आई है कनाडा में कि कुछ एरियाज में कनाडा के टेम्परेचर +49.6 डिग्रीज तक पहुंच गया, यानी ऑलमोस्ट 50 डिग्रीज। इतनी बुरी गर्मी तो आज तक दिल्ली में भी नहीं हुई है कभी। 50 डिग्रीज का टेम्परेचर आप आमतौर पर दुबई या किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री में एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन अब ये कनाडा तक में देखने को मिल रहा है। कैसे पॉसिबल हो गया ये, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। स्पेसिफिकली उस जगह की बात करते हैं जहां पर यह टेम्परेचर का रिकॉर्ड टूटा है। कनाडा की एक स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के साउथ वेस्ट में है ये। इस स्टेट में एक गांव है लिटन नाम से। अब ये लैटिट्यूड देखोगे अगर आप इस गांव का, ये 50 डिग्री लैटिट्यूड पर आता है, यानी लंदन के लैटिट्यूड के बराबर है। तो जितना नॉर्थ में लंदन है यूके में, उतना ही नॉर्थ में ये लिटन गांव है। ये फैक्ट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप इक्वेटर से जितना दूर नॉर्थ में जाते हैं आमतौर पर उतनी ही ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। ज्यादातर लोगों के घरों में इस गांव में एसी नहीं है क्योंकि इस एरिया का क्लाइमेट जो है वो माइल्ड क्लाइमेट है। ये टेबल देखो, इसमें आपको बता रखा है कि किस महीने में आप कितना टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम ऑन एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हो इस गांव में होगा। तो जुलाई अगस्त के महीनों में मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन एवरेज 28 डिग्रीज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हालांकि यहां पर जब गर्मियां आती हैं तो कई बार ऐसा जरूर देखा गया है कि टेम्परेचर 40 डिग्रीज पार कर चुका है, लेकिन सर्दियों में यहां पर -5 -10 भी जा सकता है और इनफैक्ट रिकॉर्ड मिनिमम टेम्परेचर यहां पर -31 डिग्रीज भी जा चुका है। अब इसे आप दिल्ली जैसे शहर से कंपेयर करिए क्योंकि दिल्ली में इतनी बुरी गर्मी पड़ती है कि 45 डिग्रीज तो बहुत बार देखा गया है, लेकिन दिल्ली का ऑल टाइम टेम्परेचर का रिकॉर्ड है 48 डिग्रीज। तो कैनेडा में एक गांव ने इसको भी बीट कर दिया। ये गर्मी इतनी इंटेंस थी कि पावर केबल्स मेल्ट हो गई, जो सड़कें थी वो टूट गई इस गर्मी में। क्योंकि ज्यादातर लोगों के घरों में एयर कंडीशनिंग नहीं थी तो लोग शेल्टर लेने के लिए पब्लिक प्लेसेस में गए जहां पर एसी मौजूद था। कुछ लोग रात भर अपनी गाड़ी के अंदर सोए एसी ऑन कर, लेकिन ये सिर्फ कुछ चंद दिनों की ही बात थी क्योंकि उसके बाद इस हीट वेव की वजह से साइड वाले जंगल पर आग लग गई, एक वाइल्ड फायर आ गई इस गांव में और इस वाइल्ड फायर ने 90% गांव को बर्न डाउन कर दिया, जलाकर राख कर दिया। 90% गांव आज के दिन ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। कुछ ऐसी आप इनकी फोटोज देख सकते हैं। इस एक्सट्रीम वेदर इवेंट के पीछे एक्सपर्ट्स क्लाइमेट चेंज को रूट कॉज बताते हैं, लेकिन टेक्निकल शब्दों में कहा जाए तो एक हीट डोम की वजह से ये हुआ है। टेक्निकली ये बात करी जा रही है यहां पर, मतलब गर्म हवा जो थी वो आमतौर पर ऊपर राइज करती है, जो एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर मौजूद था, सिचुएशन क्रिएट हुई थी हाई प्रेशर की, वो हाई प्रेशर इस गर्म हवा को वापस नीचे पुश डाउन करता है सरफेस की तरफ, और क्योंकि ये गर्म हवा वापस नीचे पुश डाउन होती है ये और डेंसर बन जाती है कंप्रेस होकर और गर्म बन जाती है। कई जगहों पर जब आप इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ हीट डोम पर ही ब्लेम डालते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और फ्रीक्वेंट बन जाते हैं, यानी ज्यादा होने लग जाते हैं और एक्सट्रीम बन जाते हैं और इंटेंस हो जाते हैं। अक्सर कई लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन हमेशा इसका ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता क्योंकि क्लाइमेट चेंज से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि गर्मियां और ज्यादा गर्म होंगी और सर्दियों में और ज्यादा ठंड पड़ सकती है, और ऐसे अनएक्सपेक्टेड वेदर इवेंट्स और नेचुरल डिजास्टर्स इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और ये और ज्यादा सिवियर हो जाएंगे। माइकल मान एक एटमॉस्फेरिक साइंस के प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि हीट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है आज के दिन एज कंपेयर टू 1960s, और जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हॉट मंथ्स हमें देखने को मिलते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है एज कंपेयर टू अगर क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ होता। 2015 की फेमस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, जिसे ऑलमोस्ट 200 देशों ने साइन किया था, इन कंट्रीज ने प्लेज किया था कि अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कंपेयर करें तो, यानी 1850 से लेकर 1900 तक का जो टाइम था उस समय से अगर कंपेयर किया जाए, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री से ज्यादा राइज नहीं करने दिया जाएगा, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री तक ही रखा जाएगा। जितना ज्यादा एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है धरती का, उतने ही ज्यादा ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। 1-1 डिग्री के ज्यादा होने से बड़े भयंकर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जब मैं छोटा था, बचपन में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ता था, मुझे लगता था कि क्या बड़ी चीज है, 1-2 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा पूरी धरती का,
किसे फर्क पड़ना है, सह लेंगे, 2 डिग्री ही तो ज्यादा है, लेकिन रियलिटी से कहीं ज्यादा खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं 2-3 डिग्री के राइज से ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं, हीट वेव्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो टोर्नेडोज और फ्लड्स आते हैं, ड्राउट्स आते हैं, इनके चांसेस भी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं, बायोडायवर्सिटी को बहुत खतरा पहुंचता है। एग्जैक्टली कितने डिग्री के राइज से क्या असर पड़ेगा धरती पर, इसकी बात किसी और वीडियो में करूंगा मैं डिटेल में, क्योंकि बहुत कुछ है उसके बारे में बोलने के लिए, लेकिन अभी मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स 1 डिग्री ऑलरेडी बढ़ चुका है टेम्परेचर ऑन एवरेज अगर धरती का देखें तो। लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जानने वाली ये है कि ये जो टेम्परेचर राइज है ये धरती के हर एरिया में इक्वली नहीं हो रहा है, कुछ में ज्यादा हो रहा है, कुछ में कम हो रहा है, और कनाडा एक ऐसी जगह है जहां पे ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। 2019 में एवरेज टेम्परेचर्स कनाडा में 1.7 डिग्री से बढ़ गए थे बिटवीन 1948 एंड 2016। अगर हम नॉर्दर्न कनाडा की बात करें तो वहां पर ये टेम्परेचर राइज 2.3 डिग्री से ऑलरेडी हो चुका है। इनफैक्ट 2015 की एक स्टडी ने बताया था कि पहाड़ियों में जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं 2000 मीटर की ऊपर की हाइट पर, वहां पर ग्लोबल वार्मिंग का असर ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू लोअर एलिवेशन पर। 75% ज्यादा फास्ट होगी वहां पर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग नीचे के कंपैरिजन में। सॉल्यूशंस की बात करने से पहले एक और मिसकंसेप्शन को मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा। कुछ लोगों को शायद ये 49 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखकर लगेगा कि कुछ हेल्दी और फिट लोगों को कि कौन सी बड़ी बात है, 50 डिग्री भी हो हम सह लेंगे, हम तो बड़े हेल्दी और फिट लोग हैं, 50-52 भी सह सकते हैं हम तो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर भी कुछ कंडीशंस में हर तरह के इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है, सुन के कैसा लगेगा आपको, यह सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि ह्यूमिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर जिसे कंसिडर किया जाना चाहिए जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं। 35 डिग्री टेम्परेचर एट 100% ह्यूमिडिटी डेडली हो सकता है, चाहे आप कितने भी फिट और हेल्दी क्यों ना हो। तो बात असल में यह है दोस्तों कि गर्मियों में हम सबको पसीना आता है, पसीना आना हमारी बॉडी का तरीका है अपने आप को ठंडा रखने का, क्योंकि जब पसीना आता है हमें वो इवेपोरेट करता है गर्मी की वजह से, और इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से हमारी स्किन ठंडी रह पाती है। लेकिन अगर हवा में 100% ह्यूमिडिटी मौजूद है तो उस पसीने को इवेपोरेट करने की जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि हवा ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी है जितने भी वाटर वेपर को वो रख सकती है अपने अंदर, तो वो इवेपोरेशन ही नहीं होगी तो हमारी बॉडी अपने आप को कूल डाउन ही नहीं कर पाएगी। टेक्निकली बात करें तो यहां पर वेट बल्ब टेम्परेचर टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो लोएस्ट टेम्परेचर जो इवेपोरेटिव कूलिंग के द्वारा अचीव किया जा सकता है। 35 डिग्री से ज्यादा का वेट बल्ब टेम्परेचर जानलेवा होता है। यही रीजन है दोस्तों कि दुबई और राजस्थान का 45 डिग्रीज, जहां पर ड्राई हीट है, जहां इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है हवा में, वो ज्यादा बेरेबल लगता है एज कंपेयर टू किसी बीच किनारे केरला का 40 डिग्री। एनीवेज ये बताने के पीछे मेरा पर्पस ये था कि साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें दुनिया के कुछ एरियाज में 35 डिग्री से ज्यादा के वेट बल्ब टेम्परेचर्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि लिटरली ह्यूमन लाइफ के लिए जानलेवा है। क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जब सॉल्यूशंस की बात आती है तो किताबों में आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि जब आप कमरे में नहीं है तो लाइट स्विच ऑफ कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी मत वेस्ट करिए, गाड़ी की जगह साइकिल का इस्तेमाल कीजिए। ये सारी चीजें करनी अच्छी हैं, करनी चाहिए आपको, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो चुकी है आज के टाइम पे। आज से 20 साल पहले अगर सबको ये करने को बोला जाता और सबने किया होता तो शायद कुछ असर पड़ भी सकता था, लेकिन आज के दिन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल अगर ये छोटी छोटी चीजों से हर कोई करने भी लग गया है सारी छोटी छोटी चीजें तो भी नेग्लिजिबल असर पड़ेगा क्लाइमेट चेंज पर। आज के दिन हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल पर पॉलिसी चेंजेस ही रियल चेंज ला सकते हैं दुनिया को बचाने के लिए। किस तरह के पॉलिसी चेंजेस की मैं बात कर रहा हूं, फॉसिल फ्यूल्स पर जो सब्सिडी लगा रखी है उन्हें हटाना पड़ेगा, सारी दुनिया की सरकारों को इलेक्ट्रिक कार्स को पुश करना पड़ेगा, जबरदस्त इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे इलेक्ट्रिक कार्स खरीदने के लिए, कार्बन टैक्स लगाना पड़ेगा ताकि कंपनीज अपने आप मोटिवेट हों कम फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करने के लिए, और ऑन एन इंडिविजुअल लेवल हमें अवेयरनेस रेज करनी पड़ेगी क्लाइमेट चेंज को लेकर, जिससे कि सरकार की पब्लिक पॉलिसी में असर पड़ सके। MIT के रिसर्चर्स ने एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिमुलेटर बनाया था ये बताने के लिए कि 2100 तक
कितना ज्यादा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज करेगा और वो टेम्परेचर कैसे ऊपर नीचे होगा अगर हम अलग अलग पॉलिसी चेंजेस लाएंगे दुनिया भर में, दुनिया भर के देशों में। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जीज को बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज करोगे या फिर टैक्सेस बढ़ा दोगे फॉसिल फ्यूल्स पर, तो उससे क्या चेंज आएगा। इस सिमुलेटर में आप ये करके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है करना। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है एक्चुअली में कार्बन टैक्सेस से, कार्बन प्राइस से। आप इंडिकेटर को हिलाकर देखिए कार्बन प्राइस का और उससे कितना बड़ा असर आ रहा है क्लाइमेट चेंज में। कार्बन टैक्स का मतलब है कि हमारे जितने भी अलग अलग एनर्जी सोर्सेज हैं उनमें जितना भी कार्बन मौजूद है प्रपोर्शनली उन पर उतना ही टैक्स लगाया जाए। यानी जिसमें ज्यादा कार्बन मौजूद है उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जिससे ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा तो उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स लगाया जाए। कोल सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग है तो कोल पर सबसे ज्यादा कार्बन टैक्स होगा। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, थोड़े से कम पोल्यूटिंग है उससे। उसके बाद नेचुरल गैस है जिसमें इतना ज्यादा कार्बन नहीं है तो उस पर और कम टैक्स होगा। और फिर रिन्यूएबल एनर्जी है जिसपे कोई भी कार्बन नहीं मौजूद है तो वहां पर जीरो टैक्स लगेगा। और ये टैक्स लगाया किस पर जाएगा? अच्छी चीज ये है कार्बन टैक्स के बारे में कि जितने भी एक्सपर्ट्स इसे प्रपोज करते हैं वो कहते हैं कि इस टैक्स को एट द सोर्स ही लगाना चाहिए। यानी वो कंपनीज जो कोल माइनिंग करने लग रही हैं या फिर वो कंपनीज जो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने लग रही हैं उन पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर ऑयल को या कोल को इंपोर्ट किया जा रहा है देश में कहीं और से, तो जो कंपनीज ऑयल या कोल को इंपोर्ट करने लग रही हैं उन पर टैक्स लगाया जाएगा। आम जनता पर इसका असर नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि कंपनीज इसका लोड सह रही हैं। अगर वो कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी से कंपीट नहीं कर पाएंगे प्राइस के मामले में तो आम जनता ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी के पास जाएगी। और जब ये टैक्स कंपनीज पर लगेगा तो वो खुद से मोटिवेट होंगी, अपनी बैलेंस शीट में देखेंगी कि हमारे लिए अब कोल माइनिंग करना इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं बचा, तो इसलिए हम इसे बंद कर देते हैं कोल माइन को और रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट कर जाते हैं। तो ओवरऑल दुनिया भर के साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सबसे इफेक्टिव पॉलिसी चेंज है जिससे सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट में। दुनिया भर की कई कंट्रीज ऑलरेडी कार्बन टैक्स को इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं, जैसे कि कनाडा, जहां पर $20 पर टन ऑफ CO2 एमिशंस का चार्ज लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। उम्मीद करता हूं इंडिया जैसी कंट्रीज में भी इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जब जनता प्रेशर बनाएगी ऐसे पॉलिसी चेंजेस पर तभी सरकार भी कुछ एक्शन लेगी। आज के दिन शायद से सबसे इंपैक्टफुल तरीका है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल में लाने का, नहीं तो फ्यूचर में हमें 50 प्लस डिग्रीज के टेम्परेचर शायद इंडिया में भी देखने को मिले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।